पहले सीजन से BPL में जुड़े हुए हैं एंड अभी 1000 मैच होने वाला है जल्द ही, तो आपका क्या विचार है? आपको लगा था कि क्या लगा था कि इतना लंबे तक आएगा एंड इतना बड़ा लेगेसी बिल्ड हुआ है? ऐसा है, मेरे पहले कोच नेशनल प्रमोशन में ला के 1236 क्योंकि मैं डायरी में 1236 में मैंने एज ए कोच किया, इसमें प्रो भी है, नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, फेडरेशन का भी है, आने की हमें जाना नहीं, नेशनल लेवल के 1236 में मैं कोच रहा और स्मार्टिंग से प्रो में हूँ, इसलिए हार भी देखी है, जीत भी देखी है, लेकिन आज जो प्रो कबड्डी में बेंगलोर जिस चीज के लिए जाना जाता है संघर्ष के लिए, वो आज टीम ने संघर्ष किया, हालांकि एक तो पाइप से एक हार गए थे, इसका मजा ही कुछ हो, और मैं तो सारी टीम को और खासकर इसको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सुपर टैकल से हम जीत गए और बहुत बड़ा श्रेय है। मेरा सवाल सुरजीत जी, हम देख रहे थे कि जब पहला सुपर टैकल हुआ था तभी बढ़त आपके और ओपोजिशन के बीच काफी बहुत काफी फासला था, दो सुपर टैकल वो भी कंजर्वेटिव रेट्स में, अगर मैं कह सकता हूँ कि पूरा स्टेडियम में आपका फैन हो गया होगा उस समय, पर आपने वहाँ से एक पलटा जो आपने आपकी टीम के फेवर में किया, आप जरा बता सकते हैं उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? देखो जो फर्स्ट सुपर टैकल हुआ था उसके बाद मैंने बाद में चेंज करा, हमको यही बोला था रेडर ट्राई करेगा तो कैच हो गई, बाद में मैच तो ऊपर नीचे चलता है, और कोच साहब ने पहले ही बोल रखा था कि जो आपका गेम है वो खेलो, बातचीत से मेरे कोई मतलब नहीं, आपका जो गेम है जिसमें मैंने ले रखा टीम में वो अपना गेम दिखाओ, और कोच साहब ने जो बोला टीम अच्छा खेली और फिर अगर चला सब मैच काफी क्लोज हुआ, दो सुपर टैकल में सब मैच का आ गया, पहले आपका सचिन और नीरज का कॉम्बिनेशन था रेडिंग का जो फेल हुआ था, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में रेडिंग रेडिंग डिपार्टमेंट में पहले आपसे फेल हुए, हाँ मेरा आइडिया यही था, 10 मिनट्स मैंने नीरज को देखा क्योंकि सुशील पे मैं काफी फेल कर रहा और आई होप आपको अगले मैच काफी अच्छे देखने को मिलेगा। सुशील को स्टार्टिंग में मैं उतारना चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं उतारा कि दूसरी टीम सुशील पे स्ट्रगल बना लेगी, और मेरा यह प्लान था कि पहले नीरज को थोड़ा और अप हो जाएगा और स्ट्रेटेजी निबटने पाएगी, 10 मिनट के बाद मैं सुशील को उतारूंगा, लेकिन वो हाफ टाइम पे उतार सके ये बोला था कि काफी इन मार्केट चले गए तो आना चाहिए था। सो कोच साहब कांग्रेचुलेशंस, ब्लू बुल्स जिसके लिए जानी जाती है, आखिर 5 मिनट में आप लोगों ने लगभग 13 पॉइंट्स अपने नाम किए, पर जब हमारी बातचीत हुई थी आपने कहा था मेरा डिफेंस चलेगा तो मैं जीतूंगा, आज आपका डिफेंस चला आप जीते भी, ओवरऑल डिफेंसिव परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुशील को ऑलरेडी आप लोगों की तारीफ कर चुकी है, वो दोनों सबसे बड़ी बात क्या है कि सचिन को साइलेंट रखा है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है टैकल नहीं किए फिर भी सचिन को साइलेंट रखा, और जो मेन दोनों रहते थे उन्होंने इतना वो नहीं किया,
और यही हमारे ऑफेंस दोनों ऑफेंस अच्छा है, दोनों होम है। मैंने कहा अगर डिफेंस अच्छा रहेगा विन होंगे, नहीं डिफेंस अच्छा रहेगा। थैंक यू।